नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बिग बॉस OTT का पहला सीजन अब खत्म हो चुका है और शो को उसका पहला विनर मिल गया है। दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस OTT की ट्रॉफी जीती। इस दौरान उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, सभी ने उन्हें चीयर किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया। शो के अंत में तीन कंटेस्टेंट्स फिनाले की रेस में बरकरार रहे और टॉप थ्री में पहुंचे। इसमें समीता शेट्टी, निशांत भट्ट और दिव्या अग्रवाल शामिल थे। फर्स्ट रनर अप रहे निशांत भट्ट और समीता शेट्टी शो में तीसरे स्थान पर रहीं। प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस 15 में जाने का विकल्प चुनते हुए खुद को बिग बॉस OTT के विनर की रेस से बाहर कर दिया। वहीं राकेश बापत चौथे स्थान पर रहे। फिनाले राउंड में पहुंचे कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी मेहनत की। सभी कंटेस्टेंट ने इस शो के दौरान फैंस को एंटरटेन करने की कोशिश की। कई सारे फैंस ने नेहा भसीन को शो के दौरान सबसे एंटरटेनिंग कहा, मगर अफसोस इस बात का रहा कि वो शो में फिनाले राउंड के ठीक पहले पार हो गई। शो में फिनाले राउंड में राकेश बापत, समिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल और निशांत भट्ट नजर आए। घरवालों ने शो के दौरान कुल 42 दिन बिताए। प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस OTT के फिनाले में सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने आप को बिग बॉस OTT के विनर की रेस से बाहर कर लिया और सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट करने का विकल्प चुना। इसी के साथ वे सलमान खान के शो बिग बॉस 15 के कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट बन गए हैं। वह अब बिग बॉस 15 का हिस्सा होंगे और उन्होंने फैसला लेकर अपने आप को एक और अवसर दिया है। बता दें कि अपने गुस्से की वजह से वे शो में जाने गए, मगर उनका एक बचकाना स्वभाव भी लोग शो के दौरान लोगों को पसंद आया। शो में रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने शिरकत की और सभी को एंटरटेन किया। वहीं नेहा भसीन ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। बिग बॉस OTT को करण जौहर ने होस्ट किया, जिन्हें मिक्स्ड रिव्यूज मिले। जहां एक तरफ कुछ लोगों को ये शो में काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आए, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें कंटेस्टेंट्स को लेकर बायस्ड होने की वजह से ट्रोल का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।